एक स्टार चाहे वो टीवी का हो या बॉलीवुड का, उसकी लाइफ कितनी हैपनिंग होती है ना। लेकिन इस लाइफ का एक नुकसान ये है कि उनका जीवन प्राइवेट बहुत कम और पब्लिक बहुत ज्यादा हो जाता है। पापराजी हमेशा उनके आगे पीछे घूमते हैं और उनके पल पल की खबर उनके फैंस तक पहुंचती रहती है। कई बार सेलिब्रिटीज अच्छे कारणों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, तो कई बार गलत कारणों की वजह से। आपको भी बताते हैं ऐसे स्टार्स के बारे में जो जेल की हवा खा चुके हैं। मुनमुन दत्ता। शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानी की मुनमुन दत्ता कुछ वक्त पहले पुलिस थाने के चक्कर लगा चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्हें तो गिरफ्तार तक कर लिया गया था, जिसके बाद उनसे 4 घंटे तक लंबी पूछताछ के बाद उन्हें बेल दी गई। हालांकि अपनी गिरफ्तारी को लेकर मुनमुन दत्ता ने ये बताया था कि उन्हें रूटीन पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था, वो गिरफ्तार नहीं हुई थी। आपको बता दें कि मुनमुन ने एक वीडियो में अनुसूचित जाति और समाज के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। हर्ष भारती। सभी को अपनी कॉमेडी से लोटपोट करने वाली भारती और हर्ष भी जेल जाने वाले स्टार्स की लिस्ट में शामिल हैं। जी हां, उन दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके घर से गांजा बरामद हुआ था और एनसीबी ने भारती के अलग घरों में भी छापामारी की थी। हालांकि कुछ समय बाद दोनों को जमानत मिल गई थी। करण मेहरा। सबसे लंबे समय तक चलने वाले चर्चे शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के नैतिक को तो आप जानते ही होंगे। नैतिक यानी कि करण मेहरा पर जब असल जिंदगी में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने का इल्जाम लगा तो हर कोई चौंक गया। करण की पत्नी और एक्ट्रेस निशा रावल ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद मीडिया के सामने आकर उन्होंने करण पर धोखा देने का आरोप भी लगाया। इस सिलसिले में करण को जेल भी हुई थी। अलका कौशल। फिल्म बजरंगी भाईजान तो आपने देखा ही होगा, उसमें करीना कपूर की मां का किरदार निभाने वाली अलका कौशल टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस है और अपने नेगेटिव किरदार के लिए ज्यादा फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलका भी जेल की हवा खा चुकी है? जी हां, अलका को पैसों की धांधली के कारण जेल की चक्की पीसनी पड़ी। दरअसल अलका कौशल ने किसी से सीरियल बनाने के लिए 50 लाख उधार लिए थे। जब उन्होंने उधार की रकम वापस के चक्कर में चेक दिए तो वो बाउंस हो गए। बस इसी धांधली के कारण उन्हें और उनकी मां को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। पल्लवी पुरी। टीवी के चॉकलेट हीरो पल्लवी पुरी शो नागिन 5 से काफी फेमस हुई। आपको बता दें कि पल्ल को नाबालिग से रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया था, लेकिन उन पर लगे आरोप जल्द ही झूठे साबित हुए। खुद पीड़ित की मां ने पल्ल को निर्दोष बताया था और उन्हें सोशल मीडिया पर इसका खुलासा भी किया। लड़की की मां ने ये बात साफ की थी कि उनके पति ने उनकी नौकरी खाने के लिए पल्ल पर झूठे आरोप लगाए थे। पल की गिरफ्तारी के बाद एकता कपूर, दिव्या खोसला, सुरभि ज्योति, करिश्मा तन्ना, निया शर्मा, अनीता हसनंदानी जैसे स्टार्स ने उन्हें निर्दोष बताया था। श्रुति उल्फत। छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस श्रुति को कौन नहीं जानता, उन्हें हम कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देख चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रुति भी 7 दिनों के लिए जेल की हवा खा चुके हैं। साल 2017 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कोबरा को पकड़ा था। कोबरा के साथ श्रुति के इस वीडियो ने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। एक्ट्रेस को वन्य जीव अधिनियम के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था।